तो दोस्तों कल है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल लेने हैं। कौन सी तारीख है यार कल? यार ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 3 मई है कल। मतलब यार ना दिमाग में काम नहीं कर रहा है और एग्जाम पढ़ रहे हैं। और 3 तारीख को मैं अभी 2 दिन से मंडी हूँ, भवानी मंडी। और ये देखो मतलब याद ही नहीं हो रहा है कुछ, खाली बस लेके बैठे रहो, जो पढ़ो थोड़ा याद हो जाता है, फिर उसके बाद अगला पढ़ो, और जो याद किया पहले वो भूल जाते हैं। और कल है पेपर, अब क्या करें। और कल जो मेरे एग्जाम है वो है किसका यार, एक मिनट बुक ही देख लेता हूँ ना। ओ भाई हिस्ट्री का पेपर है, सेकंड वाला पेपर है। और कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मतलब कि क्या करें यार। मतलब जो देखो, जो भारत इतिहास कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी 1% भी क्या पढ़ूं मैं। यूरोप, इटली, जर्मनी, अमेरिका, सब कुछ तो विदेश का है दोस्तों, भारत का कुछ भी हिस्ट्री नहीं है। मन पढ़ मैं किताब खोलता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ और किताब फिर बंद कर देता हूँ। क्या पढ़ूँ मैं? हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का, इसमें होना चाहिए महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो फिर अलग आ गया, मतलब होना अपने भारतीय वीरों का जो है ना वो इतिहास होना चाहिए था इसमें। फर्स्ट पेपर में भी वो इतिहास नहीं आया है, और जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री इतिहास का, इसमें भी वे पेपर, इसमें भी मतलब महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, 1% भी मुझे कहीं से कहीं तक पढ़ने को नहीं मिला है। आज से 10वीं और 12वीं जब एग्जाम दिए हैं उसमें भी इन चीज़ों का आया है, हमारे हल्दीघाटी का युद्ध आया है, सब तब चीज़ आई है। लेकिन आज मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें बस जो है विदेशों का, किसने किसको ये करा वो करा, जितने भी है ना नाम है, बिस्मार्क वगैरह। ये देखो मैं पूरी किताबें पढ़ता हूँ, शीत युद्ध कब हुआ, बालकन युद्धों के परिणाम, अफ्रीका में फ्रांसीसी और गायत्री मैत्री से आप क्या समझते हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और आप देख ही सकते हो। और बताता हूँ बहुत सारी ऐसी है, मतलब भारत देश की जो है वो कम है, और बाकी जो विदेशों का जो ज्ञान है वो इसमें भरा पड़ा है। अगर हमें विदेशों का ज्ञान ही जानना है तो आप विदेश जाके पढ़े हैं ना। मेरा मतलब है मेरे को, हमको विदेश का ज्ञान नहीं जानना है, मेरे को जानना है मेरे भारत देश का ज्ञान। क्या करूं मैं, मेरा मन ही नहीं होता पढ़ने का, मेरे को नहीं पढ़ना है। एग्जाम जो भी आएगा लिख दूंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा, सब उसके ऊपर है, एक नंबर देने वाले के ऊपर। दिमाग ही काम नहीं करता यार, क्या पढ़ाई करूं मैं, मेरे को नहीं पढ़ना, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा मेरे को तो मेरे काम मतलब ही नहीं है। क्या पढ़ूं मैं, आप ही बताओ यार।